नमस्कार, एमकेएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी पांडे। चलिए रुक करते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। कोटा जिले के सिमलिया थाना क्षेत्र में फोरलेन मार्ग पर एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते घायल अवस्था में युवक को एमबीएस अस्पताल लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश नायक निवासी गोदौलिया हेडी अपने गाँव से सिमलिया की ओर आ रहा था, किसी वक्त दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक को एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। मामला ये है कि रात को थाना पुलिस सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल चालक तो किसी ने अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, हादसे और रोड किनारे गिरा हुआ, जिसपे थाना अधिकारी वहाँ पहुंचे। वो देखा तो एक पल्सर मोटरसाइकिल वहाँ गिरी हुई थी और आदमी साइड में गिरे हुए थे, जिनका इलाज के लिए कोटा पहुँचे। डॉक्टर ने मृत घोषित कर लिया। अभी मैं कार्रवाई के लिए आया था तो यही उनके पुत्र सौरभ ने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे पिताजी कल दिनांक 9 को रात को 10 बजे पर सिमलिया निकलने के जाने की केके निकले थे, जिसकी किन्होंने अज्ञात वाहन ने टक्कर मार के मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट पेश की है, जो भी अनुसंधान में देता आएगा किया जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए मैंने तहरीर वगैरह दे दी और मौत 304A का मामला